जमाने के और गोदाफा इवेंट दोनों एंड दे अलुमनाई सेंटर. दायो जोंने एक्टर मुंदांखा एक्टरा दायो नै सफैबाय स्टेजआव दामना नायनानै लादो आरो जायनो. कितना सुंदर, इतना सुंदर जगह, इतनी सुंदर जगह, ब्यूटीफुल ग्रीनरी, हरियाली, इतने प्यारे लोग, इतने स्वीटली मिलते हैं, आपकी देखरेख करते हैं. एक ही दिन में आप लोगों ने मेरा दिल जीत लिया है. आपका म्यूजिक, आपका कल्चर इतना सुंदर है और इतनी सुंदर सुंदर आपकी लड़कियां इतनी वो ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठे बैठे मेरे पास में उन्होंने गाना दिखा देता थे, डांस दिखाते दिखाते मुझे सीन भी उन्होंने फटाफट से लिख दिया और सीन भी ऐसा कि मेरी पिक्चर में मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे पुलिस रह गई है, मुझे भगोड़ा भी बना दिया स्पीकर साहब और भाग भाग के यहाँ आ गया मैं फोटो लाइन में छुपने के लिए और उसके बीच में गाना चल रहा है और ये सब उनको दिखाना है फिल्म में. लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पीकर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने ये सुंदर सुंदर बोलो लड़कियों को स्क्रीन पे दिखा दिया, ये इतनी सुंदर है कि फिर हीरोइन को कौन देखेगा. तो थैंक यू प्रमोद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया. गुसुंथन प्रमोद का मतलब संस्कृत में जॉय, हैप्पीनेस, जो खुशी कहलाने वाला. मैं वाकई आपकी पर्सनल जर्नी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की फिल्म बननी चाहिए. मैं शायद लाइक नहीं करता हूं क्योंकि मैं आपके जितना हैंडसम नहीं हूं. प्रमोद जो है गणेश जी का भी नाम है जो विघ्न हटाते हैं. आज हम नॉलेज फेस्टिवल की बात कर रहे हैं लेकिन ज्ञान जिसको हम सरस्वती मानते हैं, जहां हिंसा है, जहां दुर्दशा है लोगों की, जहां दुख है, वहां पे कभी भी सरस्वती नहीं जाएगी. लक्ष्मी कौन जाएगी? ठीक है पैसा आ जाएगा वायलेंस के बीच में, देयर आर ऑल पीपल मेक मनी, बट ज्ञान जो है, ज्ञान के लिए शांति बहुत जरूरी है. इसीलिए पढ़ने से पहले बोलते हैं मेडिटेट करो, फोकस करो, मन शांत करो. तो वो जो शांति है वो लाना बहुत जरूरी है फॉर एनी काइंड ऑफ नॉलेज टू ग्रो फॉर प्रॉस्पेरिटी. एंड गणेश जी कहते हैं विघ्न हटाने वाले जो सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं. तो प्रमोद भाई आप एक रूप से अपने नाम को पूरा कर रहे हो यहाँ पे, जिस तरह से आपने बोडोलैंड से सारे विघ्न हटा दिए हैं, सारे प्रॉब्लम्स हटा दिए हैं, अब यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहेगी. अब यहाँ पे आपने जिस तरह से अपने यूपीबीएल की फैमिली के साथ में मिलकर नॉन वायलेंट पाथ रखा है, एक्सट्रीम वायलेंस के बीच में नॉन वायलेंट पाथ रखा है. आई वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड. कमेंट मुझे लगता है पूरे भारत को आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि 20 साल ऑलमोस्ट आपने अपने प्यारे बॉर्डरलैंड के लिए जीवन के बिता दिया आपने और वापस अपने इस बच्चे को, हमारे बॉर्डरलैंड के बच्चों को भारत माता की आपने लपेट में, भारत माता की एम्ब्रेस में आपने वापस ला दिया. सो आई थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. कोई भी काम 20 साल करने के लिए, एक मिशन रखने के लिए बहुत मुश्किल है. मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल से हूं, आई बीन एन एक्टर फॉर 20 इयर्स. जब मैं प्रमोद दादा के बारे में सोच रहा था, बोडोलैंड के हालातों के बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि जब मैं स्क्रीन पर सुंदर सुंदर हीरोइंस को रोमांस कर रहा था, लोगों को स्क्रीन पर प्यार करना सिखा रहा था, साथिया में या क्यों हो गया में, अलग अलग फिल्मों में, तब आप प्रमोद का बोडोलैंड में लोगों को प्यार से रहना सिखा रहे थे. जब मैं स्टूडेंट के रोल में शूटिंग कर रहा था, आप दोनों स्टूडेंट्स को शूट करने और शूट होने से बचा रहे थे. जब मैं नकली गोलियों से स्क्रीन पर एक्शन कर रहा था, तब आप असली गोलियों के एक्शन के बीच में शांति के लिए, बोरो के लोगों के लिए यहां पे लड़ रहे थे. तो हैट्स ऑफ.
गांधी जी सिर्फ भारत के करेंसी नोट पर नहीं है बल्कि अभी भी आप जैसे कुछ अहिंसावादी लोगों के दिल में जहन में अभी भी हैं। और ये वायलेंस हटाकर जिस तरह से मैंने जब वीडियोस देखे, जब मैंने लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखे, आई वाज इमोशनल, क्योंकि आपने जो मां है उनको बेटे से मिला दिया, बहन को भाई से मिला दिया, जो झगड़ा था वो झगड़े को हटाकर इतनी पीस प्रॉस्पेरिटी। आज मैं आपको बोलूं, मैं बोडोलैंड आया हूं, द रोड वॉज सो फैंटास्टिक, मुझे लगा कि बोडोलैंड है भाई, इतना सुना है टेररिज्म के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा, इतने मक्खन रोड थे, इतने अच्छे रोड थे कि मुझे कहीं ना कहीं मुंबई वासी होने का थोड़ा सा ईर्ष्या लग रही थी। आई वाज फीलिंग जेलस, यार हमारे यहां भी इतने अच्छे रोड नहीं जितने आपके यहां हो गए बोडोलैंड। सो फैंटास्टिक दैट यू आर ग्रोइंग सो वेल। एंड यूनिस जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल मेरे हिसाब से हिस्टोरिक सक्सेस है कि दुनिया भर से लोग यहां आए हैं, नॉलेज के स्टेक होल्डर्स आए हैं, ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, यहां की यूथ जो है वो बहुत ग्रो करेगी। यूनिस साहब को स्पीकिंग ऑफ नॉलेज डिस्ट्रॉइंग द प्लान फॉर कॉमर्स एंड आई वाज लिसनिंग टू वेरी केयरफुली बिकॉज व्हेन अ मैन लाइक हिम स्पीक्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो आई थिंक ज्ञान के साथ में बुद्धि बहुत जरूरी है। हम नॉलेज फेस्टिवल रख रहे हैं बट देयर शुड बी some degree of focus on how we use that knowledge correctly.